हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ संजना और आप देख सकते हैं मैं आज आपके लिए एक स्किन केयर रूटीन लेके आई हूँ। बट मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ नहाया है और नहाने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं आज आपके साथ मैं एक स्किन केयर रूटीन, बहुत ही बजट फ्रेंडली है और आप उसे बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। चलिए मैं आपको ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ज़्यादा घुमाते नहीं और दिखाती हूँ मैं। चलो गाइस, ये है मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं। बस थोड़ा सा कॉस्टली ये वाला प्रोडक्ट है और ये चार मेन प्रोडक्ट है मेरे जो मैं डेली यूज़ करती ही करती हूँ। और पहले मैंने फेस वॉश किया है, फेस वॉश मैंने कर लिया है, मैंने बायोटिक का फेस वॉश यूज़ किया, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, जो मैंने फेस वॉश यूज़ किया है वो ये बायोटिक का फेस वॉश है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है फेस वॉश, एक्चुअली इसका प्राइस जो है 270 है, बट आप इसे ये आपको डिस्काउंट पे मिलेगा और बहुत अच्छे से आप इसे ले सकते हैं। आप इसकी जगह कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह मैं पतंजलि का भी फेस वॉश कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो आप वो ले सकते हो, वो 70 के अराउंड है। उसके बाद मैं ये टोनर यूज़ करूँगी और ये भी वन, आप अगर इसको purple.com से लेंगे तो ये आपको अराउंड इसका प्राइस जो है 175 है, बट 120-130 पे मिल जाता है। इसको यूज़ कर लेते हैं। गाइस, इसको मैं हल्का सा अब्जॉर्ब होने तक वेट करूँगी। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि लिखा है स्किन क्लियर टोनर, तो आपकी स्किन को ये जीबी का टोनर है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लियर कर देता है। टोनर हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उनके लिए भी होता है और हमारे फेस को अच्छे से हाइड्रेट करके रखता है। प्लीज़ गाइस, आप टोनर ज़रूर यूज़ करिए और ये बजट में टोनर आता है। मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक पर्पल हॉल शेयर करने वाली हूँ, वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ। उसके बाद मैं जीबी का ही टोनर ही वो सॉरी फेस सीरम यूज़ करती हूँ। ये देख लीजिए, ये है ग्लो सीरम फेस और बहुत अच्छा सीरम है। इसको पहले हल्का सा शेक कर लीजिए। ये विंटर्स हैं इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ और आप चाहो तो इसे समर्स में भी, मेरा देख लीजिए ख़त्म भी होने वाला है, एक्चुअली मैंने मंगवाया भी है। जो कि मैंने आपसे बोला ना, मैं पर्पल हॉल आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत थोड़ा सा अपने लिप्स पे ज़रूर लगा लीजिए और थोड़ा सा लगा के लगाने के बाद हल्की हल्की मसाज दे दीजिए और आपके फेस पे एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है। ये देखिए देखिए मेरे फेस पे कितना अच्छा सा ग्लो आ गया है। और इसके बाद मैं अंडर आई क्रीम यूज करती हूँ, वो है वाव का आई रोलर है और बहुत ही अंगारा आई रोलर है, बहुत अच्छा रोलर है ये। एक्चुअली मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सोच रही हूँ इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप देखना चाहते हो इसका रिव्यू तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी क्लासी है और कितनी प्यारी है। ये मुझे सिर्फ 275 का मिला था, बट इस पर जो प्राइस है ना 199 है और काफ़ी हाई रेंज का है। बट अगर आप डिस्काउंट पे लोगे ना तो 300-250-270 के आसपास मिल जाता है। मैं एक्चुअली फ़्लिपकार्ट से लेती हूँ, आप चाहो तो फ्लिपकार्ट पे जा आप इसे ऐसे पंप करोगे, क्रीम निकल आएगी और आप बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हो अपने आईज़ के अराउंड। इस पे मैंने क्रीम लगा ली है, देख लीजिए चाहे आप। एक्चुअली जब से मैं गांव गई तो वहाँ पर मेरा स्किन केयर अच्छे से फॉलो नहीं हो पा रहा था और मैं 10-15 दिन मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया अपने फेस पे एक्चुअली, और इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम्स थी। ये काफ़ी हैंडी है और रोल करके अच्छे से आप लगा सकते हो। मैंने इसे यूज़ कर लिया है। लास्ट में मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक का लिप बाम, इसका रिव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और ये काफ़ी अच्छा लिप बाम है। सो
अगर आपके लिप्स थोड़े ब्लैक भी हैं तो ये बहुत अच्छे से पिंक होने में हेल्प करता है और मुझे बहुत पसंद है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे को जब भी फीवर आता है ना तो मेरे को, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, मेरे लिप्स की बहुत बुरी हालत हो जाती है और उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए मैं ये ख़त्म कर चुकी हूँ। मैंने ये सेकंड मंगवाया हुआ है बट इसका ये जो राइपर है ना वो निकल गया। सो ये लिप बाम मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आपको अच्छा लगे आप ट्राई करके देखो, आपके बजट में आ जाएगा और 150 के अराउंड आता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिलती है, तो आपको बहुत आराम से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, बहुत ही मतलब टाइम चलेगा। सो विंटर्स में तो मेरी यही स्किन केयर रूटीन थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कोई प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। सो थैंक यू सो मच, सो बाय।